हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एसके सैमियल इनकी सूपरान इड्ली पोड़ी एपी से पाकपो कल वर्त इड्ली पोड़ी से वेटीना मूणु मसान कम अब नम्बर इड्ली दोस की एं सईडसूम नेर रेपून इड्ली पड़ी और स्पून नल ना मिक्स पड़े सूडान इड्लियो दोसो वे सापो रोम नल्बर उड़म्क आरोग्यम वांग एपी इड्ली पोड़ी से नम किचन इनकी पाकल और कड़ा अड़पे हीट पड़े करप इरनूर ग्राम एड़े ना वरतकल ना पर अंदर ना वरतकल नम्बर वो कड़े वांगे ना कलिजे कलर इलाम अरीचे ना वो रेना काय वे अद्रमा वरतकल अब वो सुतमार नम्बर कड़े वांग सब एल वो ना क्लिन पड़ी वचरपा और सब एल वो कल क्लिन पड़े से अब रोम नल वो ना उपी आरमचर इंब पड़ेल ना वर्ता टेस्ट नल इन वे प्लेट के मतिकल और अगलान प्लेट कुटी वे और अंजुम आरटो अतपोल वेल कुंडल अरनूर ग्राम एड़े ना सेवंत वर्ग वरतकल पांग उल्वर ना सेवक वरतण अड़प वो कई वा सीकर करतर मीडियम फ्लेम वे कई विड़ किटे इंब अड़पे वे प्लेट पटकल अतः कड़े वो स्पून नल विटकल नम पर्प वो इत का मिगूम करवेपिल वतकल एंजी इवेपिल वो कईपड़ अल्व सेतकल ना एलिए पुरीजों ना वतकल ना वो वे वीन सीकर पुरी वं करप ना वरपटी इतमी सल सल सउंड केकनो अरपटी अर्थम इंबर एल करप वदकना सूटोड़े नम्बर पेरंगायत्तुल स्पून सेतरल सेत ना वासम अ सूटोड़े पट्टीन ना सूढ़ नम्बर करपिल वर्त अंत वो कांज मिग वो और नापद कांज मिग एक इत वो करक्टा अधिकम सापा इन अंजा सेतकें इतने वर्ता नराम इन रोम नईटा वर्ता रुषम मिग वो ना सूडाच नम कड़प आफ पड़ेल रोम उठा तींज इफ़ी वे प्लेट को माती वचक नाम प्लेट को माती वचक अतकूँ नूर ग्राम पू सेकल पूंड वो पचिया अरे ना पचिया नल्कमान नोण रोम नल अव उप सेकल सेटे और पत् निम्स ना एल आरटो आरदक नम अरेकल इत आरटो अदरी वरलान वर्तटे टी ऊती वे टी की वो परी वरते सापा रोम नल वरुटी अड़पा पड़ेगा इतमी मसाला से टेस्ट वो रोम नल वरी कुछ सापांगा मारे वरते कुछ ईवनिंग टाइम वो कुंद वी सापा टीय को अड़पा पड़ेगा ना और पद ना आरी रेमे मिक्सि जार नम अरेकल फर्स्ट उल्दों फर्स्ट अरेक अब ना नईसा पउडर आगे नम्बर सेना पट्टा अंत मिग पुंडल वो अरेचना इोड़ अरेक ना अरेपड़ा एल उ ना मिक्स पड़ेल ना कल मिक्सि जार सेकल
சேர்த்தாச்சு பறச்சுக்கலாம். இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் நைஸாக அரைச்சிக்கலாம். ரொம்ப நெர்னு அரைச்சிங்கனாலும் நம்ம சாப்பிட்றப்ப நெர்னு இருக்கும். இப்போ ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் கொட்டிக்கலாம், இந்த கடையிலேயே கொட்டிக்கலாம், நம்ம வறுத்த கடையிலேயே. இப்போ மிளகா பூண்டு இதெல்லாம் வச்சு அரைச்சிக்கலாம். மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டேன், இதையும் நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாம். காஞ்ச மிளகா கருவேப்பிலை போட்டு இந்த அளவுக்கு அரைச்சாச்சு, நல்லா நைஸாக அரைப்படாது, அதனால் நம்ம அரைச்சி வச்ச எள்ளியும் உளுந்தையும் கொஞ்சம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி அரைச்சிக்கலாம். அப்போ நல்லா நைஸாக அரைபட்டுரும், எல்லாம் ஒன்றாவும் கலந்துடும். ஒரு பாதி பவுடரை மட்டும் போட்டு அரைச்சிட்டு மீதி பவுடரை மறுபடியும் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டால் அரைக்காது. எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா அரைச்சாச்சு. இப்போ நம்ம அதே கடையில் நல்லா பரவலாக கொட்டிடலாம். இந்த மாதிரி நல்லா பரப்பி விட்டுருங்க, ஒரு 10 நிமிஷம் உணரட்டும். ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம சில்வர் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்கலாம். பொடி வந்து நல்லா 10 நிமிஷம் ஆறிடுச்சு. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சில்வர் பாக்ஸில் போட்டு நம்ம டைட்டாக மூடி வச்சிடலாம். 2 ஸ்பூன் இட்லி பொடியோட 1 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு சூடான இட்லியோட தோசையோட வச்சு சாப்பிட்றப்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த இட்லி பொடி ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னுடைய எஸ்கே சமையலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.